दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रूटो और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक में हमारे साथ है द टीम ऑफ गांधी गोट से एक यूथ के। हेलो, वेलकम वेलकम। पहली बात तो सर, पीपल आर वेरी हैप्पी कि आप वो एक मूवी ले आए हैं। बहुत टाइम लगा आपको, बहुत समय लगा। फर्स्ट टेल मी, क्या रीज़न था आपको इतना टाइम लगने में, एंड वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट गांधी गोट से एक यूथ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग मेरी फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड रियली थैंक द मीडिया। मुझे पता नहीं वो सच कह रहे हैं कि दिल से कह रहे हैं, ऐसे सुना रहे हैं कि मेरा वेट कर रहे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। एंड ये एक ऐसा कुछ हो गया, ये जानबूझ के प्लान तो नहीं किया था मैंने। तो एक ऐसा वक्त था कि पटा पोस्टर निकला हीरो के समय, जो भी प्रोड्यूसर मुझे अप्रोच कर रहे थे, मेकर्स अप्रोच कर रहे थे या कॉरपोरेट से बात हो रही थी, सभी एक ही सवाल कर रहे थे कि भाई कौन स्टार होगा, किस स्टार के साथ आप बना रहे हैं। बिकॉज सारे बिजनेस माइंडेड हो गए थे, होना भी चाहिए बिजनेस माइंडेड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक राइटर डायरेक्टर से पहला सवाल ये होना चाहिए, राजी आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है आपका। सेकेंड क्वेश्चन होना चाहिए, ये किसके साथ बनाएं तो ठीक रहेगा, कौन सा स्टार या कौन सा एक्टर इस आइडिया को लोगों तक सही ढंग से पहुंचाएंगे। लेकिन हो उल्टा रहा था कि वो चाहते थे कि किसी हीरो को ध्यान में रखते हुए, किसी स्टार को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट बनाया जाए, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक उसको ग्लोरीफाई कर सके। और मैंने अपने करियर में कभी ऐसा किया नहीं, मैंने हमेशा सब्जेक्ट पर डिसाइड किया, चाहे वो घायल हो या दामिनी हो या अंदाज अपना अपना हो। स्टार कास्ट बाद में सोचता हूँ, कैरेक्टर बनाने के बाद में कौन हीरो सही रहेगा उसके लिए, उसी तरह से फिल्म बनाइए। आगे भी वही बनाना चाहता हूँ, वही करना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से डिले हो गया। देन मैंने एक फिल्म प्लान की थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी। सारागढ़ी में हुई एक युद्ध जहाँ 21 सिख सोल्जर्स 10,000 कबायलियों के साथ में मुकाबला किया, लड़ाई की उन लोगों ने। बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी। सिखों की ब्रेवरी के लिए इससे बड़ी स्टोरी नहीं है। और सिखों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत मानता हूँ। तो मुझे लगा ये सब्जेक्ट सही रहेगा, इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट सिख वॉरियर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत मेहनत की, 1.5-2 साल रिसर्च किया, 20 दिन की शूटिंग भी की उसकी, लेकिन उसी वक्त एक और फिल्म अनाउंस हो गई बड़े स्टार के साथ में, बड़े मेकर की। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, पैसे लगा रहे थे, वो ज़रा सहम गए। तो उन्होंने कहा कि बड़ी पिक्चर आ रही है, वो अच्छे ढंग से रिलीज़ होगी। हमारी फिल्म नए लोगों के साथ बना रहा था मैं, 20 सरदार बिल्कुल पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया, उनको तैयार किया था मैं, क्योंकि मैं ऑनेस्ट फिल्म बना रहा था, एकदम कोई दिखावा नहीं। और हमारे साथ थे मेन हवलदार ईश्वर सिंह के रोल में, रणदीप हुड्डा को मैंने साइन किया था। रणदीप हुड्डा बहुत ही ईमानदार मेहनती एक्टर है, पूरे अपने आप को रोल में ढाल देते हैं। तो बेचारे 2.5 साल तक सरदार बने रहे, कई फिल्में छोड़ दी उन्होंने इस फिल्म के लिए, और ये फिल्म हम नहीं कर पाए, रुक गई पिक्चर। लेकिन अभी अगले साल मैं ये फिल्म ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगेन वेरी डिजर्विंग सब्जेक्ट, ये बनाऊँगा मैं ज़रूर अगले साल। तो इसी वजह से डिले हो गई। ये डिसअपॉइंटिंग है जब कोई, आप कोई फिल्म के लिए ऐसे इतना काम करते हैं और वो फाइनल रिजल्ट नहीं आता उसका, डिसअपॉइंटिंग है, सेटबैक भी है, जैसे मैंने कहा मॉनेटरी लॉस भी है, टाइम लॉस भी है, तो ये तो है। लेकिन पार्ट एंड पार्सल इंडस्ट्री में ऐसे होता है, हो जाता है कई बार। जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह जब मैंने शुरू की तो 4 भगत सिंह एक साथ बननी शुरू हो गई, तो नुकसान हो जाता है, सबको नुकसान हो जाता है इससे। एंड देन उसके बाद में ये सब्जेक्ट असगर वजह साहब ने मुझे जिक्र किया, जब हम कर रहे थे जिस लाहौर नहीं देखा वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने godse@gandhi.com उनका ये प्ले है, नाटक है, वो पढ़ने दिया मुझे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसे फिल्म बन सकती है, वैसे पढ़ने दिया मुझे। पढ़ने के बाद में मुझे एक सिनेमैटिक पॉसिबिलिटी लगी उसमें, मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगी और ज़रूरी है फिल्म ये बनाना, दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड। एंड उस पर हमने काम किया, और 2 साल का तो पैंडेमिक हो गया, तो 2 साल तो वैसे ही 2 साल पूरी दुनिया पीछे रह गई, 2 साल खो दिया हमने। लेकिन मैंने ये पैंडेमिक के दौरान ही इसकी शूटिंग की, काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हम लोगों ने, पूरी यूनिट ने जो मेडिकल प्रिकॉशंस जो स्टेट ने कहा वो लेकर हम लोगों ने पैंडेमिक के दौरान ही, 1 साल में बन सकती थी, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक 2-2.5 साल लग गया हमें। बट सर, जब आप एक रियल लाइफ स्टोरी पे, मतलब एक रियल लाइफ पर्सनालिटी पे कोई मूवी बनाते हैं, उसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट ऑफेंडेड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऐसे बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। ये मैं इंटेंशनली तो नहीं चाहता हूँ कभी,
जब भी ऐसे कोई कैरेक्टर भेजता, गांधी जी एंड गोडसे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, इम्पॉर्टेंट फिगर है आज की हिस्ट्री में, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा बहस हो रही है दोनों के ऊपर। फिल्म बनाने से पहले से काफ़ी बहस हो रही थी, गांधी जी को भी लोग भगवान मानते हैं और मैं भी मानता हूँ गांधी जी को, गांधी जी के आदर्श, उनके योगदान का मैं सम्मान करता हूँ, और हमने इस फिल्म में पूरी कोशिश की है गांधी जी का कहीं अवमानना ना हो, उनके बारे में गलत बात ना करूँ मैं। एंड उसी तरह से जैसे गांधी जी के बारे में जो लोग इज्जत करते हैं मानते हैं, कई लोग गांधी जी को बुरा भला भी कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, मुझे अफसोस होता है जब मैं सुनता हूँ, गुस्सा आता है। गांधी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई शुरुआत की, गांधी जी उनके प्रेरणा थे। तो ऐसे शख्स हैं, तो हमने तो पूरा ध्यान रखा है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगा कि गोडसे के साथ भी अन्याय हुआ है, किसी पार्टी के कहने पर नहीं फिल्म बनाई। मैं ऐसा आर्टिस्ट, ऐसे डायरेक्टर, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने जो जो फिल्में बनाई उससे सब आदमी की नीयत पता चल जाती है। एक कलाकार क्या है उसके आर्ट से पता चल जाएगा, वो ईमानदार है या बेईमान है, उसके बातों से, उसके विचार से पता चल जाएगा। तो मैंने बड़ी ऑनेस्ट पिक्चर बनाई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे गांधी जी को मौका नहीं मिला, कई आरोप उन पर लगे, वो सफाई दे नहीं पाए, चले गए, हत्या हो गई उनकी, गोडसे की आवाज़ को दबा दिया गया। तो क्यों नहीं एक फिल्म, एक मंच बना दिया जाए जो इतिहास ने उन्हें मौका नहीं दिया, ये फिल्म दे, दोनों कैरेक्टरों को मंच पे ले आए, दोनों अपने अपने विचार रखें, उस पर तर्क करें, बहस करें, बात करें। इससे ये देखने से लोग गांधी जी को भी ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा जानेंगे, गोडसे को भी पहचानेंगे। मेरा व्यक्तिगत है, गांधी जी बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन थे तो इंसान ही, भगवान नहीं थे। उसी तरह से गोडसे भी इंसान है, शैतान नहीं है। ये मेरा मतलब हम्बल सबमिशन है इस पिक्चर में, जो मैं कहना चाहता हूँ, और दोनों की बातों को मैंने रखा है मंच पे, अपने तरफ से एक लफ्ज एक बात नहीं कही मैंने, एज इट इज। सिनेमैटिक लिबर्टी कितना लिया आपने? सिनेमैटिक लिबर्टी एक ट्विस्ट है, एक प्रयास है, और पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि हिस्ट्री के साथ चलते चलते दो हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर पहले हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो बिल्कुल हिस्ट्री के साथ ही जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक ट्विस्ट स्टोरी में है, जिस ट्विस्ट का हमने यूज़ करके ये दोनों को आमने सामने ले आए, अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे इन दोनों आम मिलते हैं, तो किस तरह की बातें होगी। ओके, दूसरी बात, ये बात सीरियस है, जो बात कहते हैं बड़ी सीरियस है, सीरियस मुद्दा है, लेकिन कहने का ढंग जो है काफ़ी एंटरटेनिंग ढंग से कहा है, क्योंकि किसी को भाषण अच्छा लगता नहीं है, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सरमन नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों की बातों करके। पहली बात तो दोनों को एक साथ आमने सामने देखते ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है हिस्ट्री, और किस तरह की बातें हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग ढंग से कहा है। और मैं इस बात को ये भी मानता हूँ कि जो फिल्म देखने आते हैं उनका पैसा जो है खून पसीने के मेहनत की कमाई है उनका, तो व्हेन दे कम टू सी इट शुड ऑल्सो एंटरटेन देम, उनको अच्छा लगना चाहिए फिल्म देखते, खुश होकर जाना चाहिए, भाषण सुन के नहीं जाना है उनको। और उसके साथ अगर कोई अच्छी बात कह सकूँ, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकूँ, तो ये डायरेक्टर राइटर की कामयाबी है। और मैंने हर फिल्म में पहले भी ये कर चुका हूँ, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी कर चुका, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में यही हुआ था, वो भी बड़ी ईमानदारी से फिल्म बनाई थी, उसमें भी कुछ लोगों को लगा कि मैंने गांधी जी को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री जानते हैं, तो मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैंने वही कही जो हिस्ट्री में उस वक्त हुई थी बात। सर, आप गांधी का रोल कर रहे हैं, आपका कैसे प्रिपरेशन था और क्या डिफिकल्टीज आपको सहन मतलब करना पड़ा, आपको क्या डिफिकल्टीज आई आपके लिए? डिफिकल्टीज तो मैं पहले काफ़ी गांधी कर चुका था, सो गांधी के कैरेक्टर ने ढलने में कोई आपत्ति या डिफिकल्टी नहीं थी, पर क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा था, बड़े स्क्रीन पे बेन किंग्सले से लेकर नसरुद्दीन शाह, अनु कपूर जैसे कई कलाकारों ने ये भूमिका कर चुके हैं, तो एक थोड़ा सा डर था कि इनके बरोबर मैं अपने आप को पुरवार कर पाऊंगा ही नहीं, पर एक थोड़ी सी ये बोलो कि मैं रिलीफ इसलिए थी कि मैं ऐसे हाथों में था कि जिन्होंने कई लोगों को एक्टर बनाया है, सो थोड़ा मुझे एक भरोसा था कि जो भी है वो शाइनिंग वो ये डायमंड के अंदर करेंगे।
सो एक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू टाइप का फीलिंग था कि कभी सोच नहीं सकता था कि इस एज पर इतना बड़ा ब्रेक इतने बड़े डायरेक्टर के साथ और इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट के साथ मिलेगा. सो आई वॉज वेरी हैप्पी और बहुत कुछ सीखने को मिला. एक क्वालिटी या एक चीज़ जो आपने गांधी से सीखी आप जब कर रहे थे ये रोल, ऐसा एक कोई क्वालिटी या एक कोई चीज़ आपने सीखी उनके कैरेक्टर को प्ले करते समय? गोडसे को एज ए ह्यूमन बीइंग वो इसमें देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं. उसको गांधी जी को पाप से विरोध है, पापी से विरोध नहीं है, अपराध से विरोध है, अपराधी से विरोध नहीं है. ये बात इस फिल्म में क्लियर होती है. सो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी. जैसे उन्होंने कहा कि गांधी जी नॉन वायलेंस पे विश्वास करते हैं, वो कभी नहीं चाहते गोडसे से फांसी पर चढ़े. वो उनसे बात ज़रूर करते, समझने की कोशिश करते, कुछ अपनी बात रखते, लेकिन उसे पार्डन करते थे. अपनी तरफ से तो बोल देते थे कि मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, न मैं इसके खिलाफ कोई केस करूँगा. ये गांधी जी है, इसीलिए गांधी जी महान है. तो ये मेरा मानना है. और बाकी तो गांधी जी के भक्त बहुत हैं, वो उनका आपके पता नहीं क्या विचार है. But there are a lot of people who are very upset कि भोपाल में जैसे जो इंसिडेंट. हाँ वो बिल्कुल, वो गांधी जी को जानते नहीं है. मुझे ऐसा लगता है गांधी जी के आदर्श को मानने वाले, गांधी जी के भक्त हैं, अगर गांधी जी को समझते हैं तो वो सड़क पर लाठी लेके नहीं आते, ना पुतले जलाते, ना थिएटर को आग लगाने की धमकी देते. तो इसे साफ जाहिर है कि गांधी जी के विचार, गांधी जी के आदर्श से बहुत दूर है वो. और वो ट्रेलर देख के, अरे फिल्म देखो भाई, फिल्म देखे देन यू कैन डिबेट, यू कैन डिस्कस. लेकिन वायलेंस का तो कोई जगह ही नहीं है गांधी जी के जो मानने वाले, गांधी जी के फिलोसॉफी में. जहां आवाज़ उठानी चाहिए वहां नहीं उठा रहे इन लोग. जो अत्याचार, जो जुल्म, जो सोसाइटी पे जो गलत, इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही है, वहां खामोश है. भी सड़क पे एक औरत को जूते का हार पहना के पब्लिकली उसको मारा जा रहा है और 150 लोग सराउंड होके. विजुअल देखा था मैंने टीवी पे, न्यूज़ आपने भी देखा होगा. शॉकिंग, खून खौलता है मेरा जब मैं ये देखता हूँ. ये देश जहाँ इतनी सारी देवियों का मंदिर है, लोग देवियों को मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, औरत चाहे किसी कौम का हो, किसने वो हक दिया उस औरत को जूते का हार पहना के पब्लिकली मार रहे हैं? वो जितने लोग वहाँ बैठे थे कसूरवार है और खामोश है. उस पर कोई आक्रोश नहीं, उस पर कोई जोश नहीं, उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं. एक कभी आदमी कोई जलेबी बाबा उस पर आरोप लगा कि 120 लड़कियों का उसने बलात्कार किया है, एक्सप्लॉइट किया है. अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आया, उस पर कोई पुतला नहीं जलाया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है. मुद्दा ये है. सैड पार्ट ये है. खून खोलना चाहिए ऐसी बातों से, ये गलत हो रही है समाज में. उस पर फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बात हो रही है, मस्ट ब्रिंग इट टू द पॉइंट. मेरे तरीका है प्रोटेस्ट करने का, मैं भी प्रोटेस्ट करता हूँ. फिल्म मेरा हथियार है, फिल्म के जरिए करता हूँ. बीच में एक न्यूज़ रील देखा मैंने, फुटेज देखा कि अफगानिस्तान में वो लड़कियों को पढ़ाई करने से मना कर दिया, रोक दिया स्कूल कॉलेजेस में. तो एक फुटेज आई डोंट आपने देखी नहीं देखी, मैंने देखा कि हिजाब पहने हुए लड़कियाँ रो रही हैं, क्लासरूम में बैठे रो रहे हैं, सर पटक पटक के रो रहे हैं. खून खोल गया, दिल दहल गया मेरा. वेरी सैड, वो उनका हक है. अब मुमकिन है कि मैं बम्बई में रहता हूँ, वो अफगानिस्तान है, वो अलग देश है, लेकिन है औरत, इंसान, वो कहीं भी हो, उसका दुख उसका जायज़ हक है. नॉलेज हासिल करना हर इंसान का जायज़ हक है, आप उससे वो छीन रहे हैं. तो मेरी यही प्रार्थना है, दुआ है, मेरा अपील है, जो भी है अफगानिस्तान का गवर्नमेंट से, भैया ऐसा मत करो. किसी धार्मिक, किस कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई ईश्वरी नहीं चाहेगा कि भाई नॉलेज, नॉलेज इज गॉड. नॉलेज से तो हम सबको पहचानते हैं, ईश्वर को भी जानते हैं तो नॉलेज से, नेचर को जानते हैं तो नॉलेज से. वो हक उस औरत से छीना जा रहा है, वो लड़कियों से छीना जा रहा है, कितना बड़ा दुख है, गलत है. तो वो सारी बातें नहीं हो रही है जिस पे बात होनी चाहिए. बट सर आपको क्या कहना है कि लास्ट एक साल में जैसे मूवीज़ बन रहे हैं और नहीं चल रहे हैं थिएटर्स में, बहुत सारे मूवीज़ डिडंट वर्क फॉर व्हाटएवर रीज़न मे बी, व्हाट डू यू हैव टू से ऑफ दैट, ये हम कैसे निकल सकते हैं इससे बाहर और व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग इन मेकिंग फिल्म? अच्छी फिल्म बनाना एक ही रास्ता है, उसका कोई रास्ता नहीं है. वर्क हार्ड, फोकस्ड वर्क करो, कंटेंट पे ध्यान दो, अच्छी फिल्म बनेगी, पसंद करेंगे, चलेगी पिक्चर.
अभी कंतारा फिल्म चली है, उसका हीरो को कोई पहचानता नहीं है, क्यों चली है? कोई चैरिटी नहीं करता है, पसंद आई लोगों को, अच्छी लगी, नया कोशिश, नया प्रयोग, बहुत डिफरेंट है। तो उसी तरह से हर फिल्म में पुष्पा चली, लोगों को पसंद आई है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो है दैट इज ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। आप सड़क पे उतर के मैं देखता हूँ पब्लिसिटी के नाम पे हीरो हीरोइन रोड पे नाचते हैं, थिएटर के बाहर आके नाचते हैं, उससे थोड़ी पब्लिक आएंगे पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने आएंगे, फिल्म अच्छी बनाओ। अगर आज भी अगर कोई गंगा जमुना बनाएगा लोग आएंगे देखने के लिए, गोलमाल ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी वो फिल्म बनाएंगे लोग आएंगे देखने के लिए, राज कपूर साहब ने बॉबी बनाई थी यंग लव स्टोरी, आएंगे लोग देखने के लिए, आज बनाएंगे। अच्छी फिल्म बनाना एक ही रास्ता है, ईमानदारी के साथ में, शिद्दत के साथ में। स्टार की जरूरत है स्टार को लो, नहीं जरूरत है नहीं, नए लोग के साथ में लो। जैसे मैंने कंतारा, कई लोग हीरो को पहचानते भी नहीं होंगे, चले ना पिक्चर। तो उसी तरह से बहुत सारी फिल्में रिसेंट टाइम पे नए स्टार के साथ, नए स्टार कास्ट के वाले में चली हैं। तो बाकी ये जो है ये बॉयकॉट बोल कर दिया तो नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं। दैट इज मीन्स हम जिम्मेदारी के और छोड़ रहे हैं, अच्छी फिल्म बना के लड़के कंपल करेंगे, मतलब मेक अ गुड क्वालिटी फिल्म, फर्स्ट बी डिजर्विंग एंड देन यू डिमांड, लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पहले भी आए हैं फिर आएंगे लोग। तो सर लास्टली मुझे ये जानना है, आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर लिए हैं आपके आने वाली पिक्चरों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा हमें भी बता दीजिए। अनाउंसमेंट तो कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो बिल्कुल 8-9 साल तक तो कुछ आप नहीं था। ये बनाओगे नेक्स्ट? नहीं, नेक्स्ट तो वो मैं फिल्म कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दैट प्ले, जिस लाहौर नहीं देखा वो सनी के साथ में कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले नेक्स्ट पिक्चर तो वही है मेरी। वही। और अदा अपनी अपनी जो आपने वो अभी लोगों ने पूछा मुझसे अंदाज, अपना अपना अंदाज, अपना अपना लोग पूछते रहते हैं कब आएगी। मैं सीक्वल पे भी यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर कोई कहानी है जो एक्सटेंड हो रही है, जैसे गॉडफादर थी कहानी एक्सटेंड हो रही है, या रॉकी सीक्वल थे एक्सटेंड हो रही है, या टर्मिनेटर 1 टर्मिनेटर 2, कुछ फिल्में हैं जो एक्सटेंड होती है बनाए, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ कि चल गई है वो ब्रांड बन गया है, उसको कोई भी सब्जेक्ट बनाओ उस नाम दे के उसको चला दो बेच दो वगैरह, स्टोरी अलग है सिचुएशन अलग है, लेकिन नाम वो रख के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, वो मैं यकीन नहीं रखता हूँ वगैरह, आई डोंट डू दैट। तो भी अंदाज अपना अपना बना दी उस टाइम पे, अभी उसका कोई एक्सटेंशन मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन उसी जॉनर की फिल्म, उसी तरह के कॉमेडी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, क्योंकि वो भी हम ही ने बनाई है, नई फिल्म में मैं ही बना रहा हूँ, उसका टाइटल है अदा अपनी अपनी, जिसपे दो यंग स्टार्स, दो यंग हीरोइंस एंड उसी तरह से म्यूजिकल कॉमेडी मैंने वर्कआउट किया है। तो मैंने वो सोचा, आपने किसको लोगे, सोचा है, बात भी करके रखा, लेकिन मैं अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ कि फोकस नहीं चला जाए। और कई लोगों ने मुझसे एक सवाल किया, उनको मैंने ये भी कहा कि इस फिल्म को अगर हिट करेंगे तो मैं रिटर्न गिफ्ट में वो बनाऊंगा पिक्चर अगर ये पिक्चर हिट नहीं हुई तो एक ट्रेजिक पिक्चर बनाऊंगा, बना के रुलाऊंगा, जैसे मैं रुलाऊंगा तो आप लोगों को भी रुलाऊंगा मैं तो डेफिनेटली वो बनाऊंगा, प्लान है मेरा दिवाली के आसपास एक बार लाहौर कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद में अनाउंस करूंगा मैं, वक्त आने पर बनाऊंगा मैं। Well, on that note, thank you so much हमसे बात करने के लिए and wishing you all the very best. The trailer looks amazing. Thank you very much and इसके जरिए आपके मतलब आज तक के जरिए मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, ये फिल्म आके ज़रूर देखिए एंड प्री कंसीव्ड कोई नोशन एक मत बना लीजिए लोगों की बातें सुनकर, या ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम में जो बातें कह रहे वो अपना क्लीन माइंड के साथ आप आके फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है बल्कि सेटिस्फाई होकर जाएंगे, लेक्चर नहीं सुनेंगे पिक्चर में, पिक्चर एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, बांध के रखेगी आपको और अच्छा भी लगेगा और सोचने पर मजबूर करेगा। और ये फिल्म में मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है, गांधी जी का भी सम्मान रखा है, गोडसे का भी सम्मान रखा है मैंने, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू।